लाइट बंद बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। और ठीक है, बड़ी खुशी है कि आज हम यहाँ अहमदाबाद में हैं और आप सबसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो अभिजा जोशी तो यही के हैं, हमारे लेखक, और राजू जी, मैं, अनुष्का, विनोद। सो वी आर हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। जी जी नहीं, एक्चुअली मैं गुजरात आया था 5 years ago, जब हम लोग एक्चुअली 3 Idiots 5 साल पहले आई थी, तो मैं पालनपुर गया था उसके प्रमोशन के लिए। एक स्कूल में गया था मैं, पालनपुर के स्कूल में, और मुझे याद है वो एक छोटी सी बच्ची ने मुझे अपना टिफ़िन में से कुछ खिलाया था, तो मदर और ग्रैंड मदर हैड मेड समथिंग। सो या, वी आर हैप्पी टू बी बैक वंस अगेन। भाई नीचे, अरे भाई नीचे बीएसएनएल यार, बीएसएनएल क्या बहुत है। हेलो, क्या सीएम से मिलने का कोई प्लान? नहीं, वो तो हमारे प्लान में नहीं है। हम आपसे मिलने आए हैं, लोगों से मिलने आए हैं, और गुजरात के लोगों को न्योता देने आए हैं कि हमारी फिल्म देखें जो 19 को आ रही है। हेलो ऑल, माय सेल्फ मुक्ता, आई एम फ्रॉम बीटीवी, वेलकम टू गुजरात एंड वेलकम टू अहमदाबाद। मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी से है कि पीके फिल्म आपने इतनी मेहनत से इतनी स्वीटली बनाई है, तो अभी जब 10 साल के बाद 15 साल के बाद जब आप पीके सुनेंगे तो सबसे पहले आपके सबके माइंड में क्या आएगा? That's a nice question. Let's start with Abhijaa. पीके सुनूंगा जब, तो ये दिन याद आएगा जब ये सवाल पूछा गया, और ये खुशी की घड़ी याद आएगी जब ये फिल्म लेके हम अहमदाबाद में आए उसको प्रमोट करने, और ये मैं महसूस करूंगा अगर आपने हमें आकर सपोर्ट दिया जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में दिया था, जैसे 3 Idiots में दिया था। गुजराती में बोल, हाँ गुजराती में कहो कि मेहरबानी करी ना आओ फिल्म जो आप पिक्चर 3 Idiots में बाप छे। आई थिंक आप ये फिल्म बनाई है इस नाम की, तो पीके हम, मुझे लगता है जब भी सुनेंगे, चाहे कहीं कोई हमें ड्रिंक भी दे दे तो याद तो फिल्म ही आएगी, मगर इस गुजरात में शायद याद आएगी कि ड्राई डे है भाई, ड्राई ड्राई है। मुझे जब भी मैं पीके सुनूंगा तो मुझे ये किरदार याद आएगा जो मेरे लिए बहुत ही खास रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे पूरे करियर में जो मैंने फिल्में की हैं, अलग अलग किरदार निभाए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो किरदार है वो सबसे चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए, तो मुझे वो किरदार याद रहेगा। और जो प्रोसेस रहा है इस फिल्म को बनाने का, किस तरह वो इस फिल्म में ख़ास तौर से मेरे साथ एक चीज़ हुई जो आमतौर पर नहीं होती, कि जिस तरह हम लोग रिहर्सल करते हैं कि मैं ये शॉट इस तरह दूंगा, परफॉर्मेंस इस शॉट में ऐसा होगा, तो पता नहीं कैसे शॉट के दौरान जो हमने प्लान किया था उससे कुछ अलग होता था, और वो अपने आप होता था, अनप्लान होता था। शॉट के दौरान मैं कहीं और चला जाता था अपने इमोशंस में, और ये बार बार हुआ ये फिल्म में। और जब हम जब वो शॉट कटता था तो राजू जी भी खुश होते थे, मैं भी खुश होता कि कुछ अलग हुआ, हमने प्लान नहीं किया था लेकिन अच्छा हुआ। सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोसेस विच आई गिव मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। हाय एवरीवन, मैं बस यही सोचूंगी कि मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म में काम किया था, एक बहुत स्पेशल जर्नी थी मेरे लिए, और मैंने पहली बार ऐसा कहा कि ऐसी फिल्में जब अपने बच्चों को दिखाऊंगी, तो होपफुली अगर तब तक बच्चे होंगे See, for me, PK will always remind me of a long journey, which was, this has been the most difficult film for us to write. It's taken 5 years. So I think it'll always remind me that how hard we worked for many, many years. Also, we were almost in 1 year in post-production, which is long time. बट द गुड थिंग दैट विल कम टू माई माइंड, और आपके सवाल पूछने से ये हुआ कि अंत में विजय हमारी हुई, हमने ऐसी अच्छी फिल्म बनाई है जिसके लेके हम बहुत खुश हैं। सो दैट्स वॉट आई थिंक ऑफ। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू।
वेल रेडियो का आइडिया जैसे सारे आइडियाज हैं फिल्म के अंदर वो सब राजू और अभिजात से आए हैं, ये दोनों लेखक हैं फिल्म के, तो इनसे ही आइडिया है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ठीक से समझेंगे भी कि उस सीन में क्यों वो रेडियो है उसके साथ में। और रेडियो का कुछ इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट है रेडियो को हमने ज्यादा नीचे गिरने नहीं दिया, बस यही पकड़ के रखा उसको मजबूती से हमें। How used to run with that and all that, Hari? हाँ हाँ, well it was a very heavy radio, so I've worn it throughout the film. Yes, yes, please. अगर पूनम या कुशाल, ऐसा हमें सुनने मिला है कि पीके का मतलब ये है, अगर ये सच है कि नहीं पहले तो ये बताइए। हम नहीं बताएंगे सच है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो मैं राजू जी और अभिजात सर को पूछना चाहूंगी, वो भी नहीं बताएंगे, उनको मैं और पूछना चाहूंगी कि उन्होंने फिल्में बनाई है जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में शंकर का नाम उन्होंने सर्किट कर दिया था, रेंचो को फुनसुक वांगडू, और इसमें पीके लेके आया है, तो ऐसे यूनिक और क्रिएटिव नेम का इंस्पिरेशन कहां से मिलता है आप लोगों को? फनसुक वांगडू नाम विनोद का एक क्लासमेट था, फनसुक लद्दाखी, वहाँ से हमने फनसुक, वो नाम कभी उन्होंने बताया था बहुत पहले, तो वो माइंड में रह गया था, तो जब ये फिल्म आई तब कुछ अलग किस्म का नाम ढूंढ रहे थे, और फिर लद्दाख में, वो लद्दाख का निवासी था, तो लद्दाख में ये इसको प्लेस करना है, तो अचानक से फनसुक लद्दाखी नाम याद आया। फिर मुझे याद है कि राजू ने सेट पर से, सेट तो था नहीं खैर, पर लद्दाख में से लोकेशन पर से फोन किया था कि अगर ये गाड़ी लेके लोग जा रहे हैं और नाम फनसुक लद्दाखी है और अब लद्दाख आया तो पता चल जाएगा पब्लिक को कि फनसुक लद्दाखी, सो ई सेड कि यहाँ पे एक और पॉपुलर नेम है वांगडू, और इमीडिएटली बोथ ऑफ अस लव दैट नेम, टी स्टॉल था वहाँ पे, वांगडू टी स्टॉल, तो सर ने वहाँ से उठाया हमने। क्या आप जानते हैं कि मैं रिसेंटली वहाँ पे गई थी, मतलब शूटिंग के लिए, वहाँ पे सारी जो रेस्टोरेंट्स हैं जो भी है टी स्टॉल सब कुछ, थ्री इडियट्स टी स्टॉल, थ्री इडियट्स रेस्टोरेंट सब कुछ। I don't know how you'll answer that without giving out the story. It's difficult to answer that question without giving out. इतना हम बता सकते हैं कि स्क्रिप्ट जो है दो दिन पहले तक चेंज हो रही थी। मतलब वो जो प्रोसेस है लिखने का, वो अल्टीमेटली जब तक हमने फाइनल कॉपी जो है टेक्निकली क्या उसको बोलते हैं फाइल, कोई तो नहीं कौन सी फाइल होती है, प्रिंटिंग, फाइनल प्रिंट जब तक नहीं दिया तब तक राजू जी ने मुझसे कुछ फ्रेश लाइन डब करा दी, इसको ऐसे बोलते हैं, तो वो राइटिंग प्रोसेस दो दिन पहले तक चल रहा था। ये आमिर सीधा अमरीका से उतरे, प्लेन से घर नहीं गए, सीधा डबिंग थिएटर में आए, मतलब ये हम लोग अभी कुछ दिन पहले तक कर रहे थे। मैं अभिजात को कहता हूँ वो राइटिंग रिलीज के दिन ही रुकती है, जब हम कहते हैं अब लेट्स अबैंडन द स्क्रिप्ट नाउ, अब नहीं लिख सकते आगे, कुछ नहीं कर सकते। अभिजात, व्हाट केम फर्स्ट, द रिक्वेस्ट फॉर द मूवी और योर स्टोरी एंड देन द रिक्वेस्ट फॉर द मूवी? सी द रिक्वेस्ट फॉर द मूवी इज पेरिनियल बिकॉज़ मूवीज आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, राइट, सो देयर इज ऑलवेज, देयर इज नो नथिंग लाइक अ रिक्वेस्ट फॉर द मूवी, वन हैज टू गेट अप एंड राइट अ मूवी। But there is only one reason to make a film. There are no two reasons for making. You can't make a film because you want to buy a property or you want to do something or you have
some dates of actors. The only reason to make a film is that you have an incredible idea. And that idea is so incredible that you can't rest till you pour it out on the paper. And you're prepared to marry it for about 2 or 3 years, where you go to sleep thinking about that idea, wake up thinking about that idea, and are committed to let it blossom. And that process is ceaseless for 2 or 3 years. If you're willing to do that, then you enter into that idea. It's like entering a forest fire and make your way through it, but the feeling is beautiful when you come out of it. उसका जो ये मतलब है लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इज जिस तरह तो वे ऑफ डिफाइनिंग लव, क्योंकि हम लव के बारे में काफ़ी कुछ कह चुके हैं, तो ये एक अनदर वे है, बट यू स्टिल वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, तो मेरा भी यही मन है. Are you under pressure about 150 crore or 200 crore movies? I mean, so we'll come to you. Okay. Anushka, PK mein jo aapka role hai, uske bare mein thoda bata sakte hain ki kya hai? मैं ना आई थिंक मैं सब लोगों को ना एक वीक लिंक लगती हूँ, उनको लगता है कि इससे सवाल पूछते हैं, हो सकता है यही बता देगी स्टोरी या कैरेक्टर या कुछ, लेकिन मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि फिल्म में जो मेरा पेशा है, मैं जर्नलिस्ट हूँ. Well, my character is a namuna. I'll tell you a little about my character. He's a very strange kind of person. और वो अजीब सा है, बड़ा innocent है. और जो PK का आपने सवाल पूछा था कहीं पे, तो वो सब उसको सोचते हैं, वो इतना अजीब है कि लोगों को लगता है ये जरूर PK आया होगा. तो जहाँ वो जाता है लोग उसको पूछते हैं, PK है क्या, PK है क्या, PK है. तो उसको लगता है शायद मेरा नाम PK है, सब लोग मुझे PK बुला रहे हैं. सो दैट्स हाउ ही इज कॉल्ड PK. But he doesn't drink at all actually, he's a teetotaler. At a recent function here in the hotel, Hayat Hotel, you said that there's a promo coming up of PK this Sunday where... तो उसमें मेरा प्रोफेशन पूछती हैं. करेक्ट करेक्ट. तो अभी संडे को आने वाला है हमारा प्रोमो, जिसमें कि अनुष्का का जो किरदार है वो मुझे पूछती हैं कि आप करते क्या हो. तो मैं यहाँ हुआ देखता हूँ, पीछे कुछ सुन तो नहीं रहा, मैं बोलता एस्ट्रोनॉट हूँ. तो हंसती है, जिसे आप लोग अभी हंसे, और वो कहती है, अच्छा वो जो मून मून पे जाते हैं. तो मैं बोलता हूँ, एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लूल प्लेस है. तो प्रोफेशन मेरा शायद एस्ट्रोनॉट है. शायद alien, वैसे तो बहुत रूमर्स हैं, बहुत रूमर्स हैं, रूमर्स हैं कि हम मैं पियकड़ का रोल कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी लॉस है, बैंड में मैं बैंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे कई रूमर्स हैं, और हम चाहते हैं कि और दो चार रूमर्स उसमें ऐड हो जाए. वेल, ही इज अ पर्सन हु इज वेरी रिलीजियस, ही इज समवन हु फॉलोज गॉड, ऑल द गॉड्स, ही इज अ वेरी, जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर में, कि बड़ा धार्मिक इंसान, मतलब बिलीवर, इज अ बिलीवर. हाँ, जब फिल्म देखेंगे तो ये सब चीजें क्लियर होंगी आपके लिए. ओह, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो किरदार है उसको पान बड़ा पसंद है, पान का बहुत शौकीन है. तो शूटिंग के दौरान हम जब सीन शूट करते हैं तो दिन में 10-15 शॉट्स होते हैं, 10-15 शॉट्स के, हर शॉट के 10-15 टेक्स होते हैं. तो करीबन 100 पान हो जाते थे मेरे दिन में, एंड यू नो कभी छाले आ जाते थे मुंह में, बट आई हैव टू स्टिल ईट द पान. आई थिंक मेरे पेरेंट्स को भी मुझे कुछ ऐसा नाम देना चाहिए क्या, अनुष्का, अनुष्का रख दिया. आई डोंट नो कितना रिलेट करती हूँ, लेकिन हाँ, मतलब कुछ चीज़ें थी मेरे बिहेवियर में, मेरे एक्सप्रेशंस में, जिनको मुझे चेंज करना पड़ा, कंट्रोल करना पड़ा या बढ़ाना पड़ा. आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी बिगनिंग में मुझे अपने ध्यान में यू नो रखनी थी,
एंड सर ने मुझे कहा कि शूटिंग के पहले तू ना एक यू मेक दिस एक्सप्रेशन हम वो नहीं करेंगे. ही सेड वेरी नाइसली टू मी बट आई अंडरस्टूड व्हाट ही वाज सेइंग. सो इन द बिगिनिंग इट वाज जस्ट कीपिंग यू नो दैट इन माइंड एंड देन धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट. कुछ नहीं यार, मैंने तो ट्विटर पे बोल ही दिया था, तो मतलब आई थिंक दैट्स प्रीटी मच मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में. अगर वहाँ बोल दिया तो मैं आप लोगों के सामने भी अभी बोलने की जरूरत तो नहीं है. काफ़ी लंबा लिख लिया था मैंने. उनका ऐसा क्वालिटी ऑफ द फिल्म. वी आर द ओनली कंपनी दैट नेवर अनाउंसेस के कितने अभी. इफ यू यू आर टेलिंग मी थ्री इडियट्स, आई हैव नेवर टोल्ड एनीबडी हाउ मच. एक्चुअली माय बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दैट माय सन who thought I was a poor man and I always treated him like that. One day comes home, Agni, and says, you've been lying all these years? He says, I read about Three Idiots. You know? So, frankly, for us, that is not the point at all. If it meant anything to us or to Raju and to Abhijat, why would we make one film in 5 years? He should make 5 films in 1 year. He's the most successful director of India. Imagine kijiye ki kitna, how much collection will be. Hum aisa karte nahi. हम फिल्म बहुत अच्छी हमने बनाई है, उसकी कलेक्शन हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं भी हो तो वो जो फिल्म की क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. दैट इज हाउ वी स्ट्राइव. फॉर्चुनेटली वी आर बियॉन्ड कलेक्शंस. आमिर, यू हैव सेड दैट अ मूवी लाइक कहानी व्हिच डज बेटर बिजनेस इन द सेकंड वीकेंड एंड मे बी दैट शुड बी अ यार्डस्टिक ऑफ हाउ गुड अ फिल्म इज. फर्स्ट वीकेंड इज समथिंग दैट इज इंपैक्टफुल, बट हाउ यू आर सस्टेनिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. The next weekend, and the third weekend, and all these things. Like this year, we saw in Three Idiots that it was a movie that ran in theaters for almost 2-3 months. How do you look at PK and? Well, I hope that मुझे उम्मीद है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी और बहुत पसंद आएगी तो वो दोबारा देखना चाहेंगे. जब कोई फिल्म के लिए बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है तो जाहिर है पहले 2-3 दिन बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए. लेकिन जब फिल्म की तारीफ होती है तो जो फिल्म जो है वो बोलती है फ्राइडे के बाद. जब लोग फिल्म देखते हैं और उसको उनको पसंद आती है तब वो और ज़्यादा स्प्रेड होती है, लोगों को दोबारा देखने का मन करता है. आई थिंक दैट इज़ द ट्रू यू नो यार्ड स्टिक फॉर सक्सेस. वेल, आई होप. प्रेडिक्शन तो मैं कभी नहीं करता. प्रेडिक्शन मैं नहीं करता हूँ. आई होप कि लोगों को ये फिल्म जितनी थ्री इडियट्स लगी है उतनी ही अच्छी लगे. अभिजात का तो कहना है कि थ्री इडियट्स से ज़्यादा पसंद आएगी, but he is much more a bold person. I am not that bold. Anushka has already seen it twice. She wants to see it again. Yeah, I am also like Abhijat only. मैं आपको एक और बताता हूँ कि कल yesterday we had a first trial in Bombay. Some people saw it. And just before I came here, I got a request. सब के सब आज फिर देखना चाह रहे हैं. Who saw it? Yeah. In the lab. Oh, अच्छा. But there are rumors that you won't be having any screenings for the media as well before the release. I think that's a standard practice we follow. No? On Friday morning, we have a screening for the media. That's a standard practice we follow. And for the people within the fraternity? I let's see. I don't know what. And there were reports that I love to show my films. मैं आपको बताऊँ. मैं जब कोई फिल्म के साथ जुड़ता हूँ और मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी बनी है तो मेरा मन करता है कि मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं, अपने फैमिली को दिखाऊं, सारे लोगों को दिखाऊं. मैं अपनी हर फिल्म चाहता हूं कि हम रिलीज से पहले जो हमारे दोस्त हैं, इंडस्ट्री के भी दोस्त हैं और भी दोस्त हैं, उन सबको हम न्योता दें, उनको दिखाएं. Even PM Modi ji wants, you said, he wants to see? No, you said he should watch. I would love it. He's a very busy man. It's in fact wrong of us to ask him because उनकी इतनी responsibilities हैं. We should respect that. But so I would like to show my film to everyone. I don't know what Raju and Vinod feel about it. I would love to show it to them. I would love to show it. Abhi, aap creative hai, aap cheesy hai, aap committed hai. Shayad
लिए ऐसी खबरें आती हैं कि ज़्यादातर डायरेक्टर्स के साथ आपकी नहीं बनती, मिस्टर ईरानी के साथ आपकी बनती, क्या आपके दोनों के बीच में कॉमन है? एक्चुअली मेरी तो ज़्यादातर डायरेक्टर से अच्छी बनती है, मुझे पता नहीं आपको ये कहाँ से फीलिंग आई कि मेरी डायरेक्टर से नहीं बनती। मैं कॉमन हूँ, हम लोग लड़ते रहते हैं तो इधर सब हो जाए। राजू इज अ आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर, मेरे हिसाब से वो हिंदी फिल्मों के सबसे कामयाब डायरेक्टर हैं, लेकिन सबसे अच्छे भी डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। तो मैं जब भी राजू के साथ काम करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और इस फिल्म में तो राजू ने हद ही कर दी, हर शॉट के बाद वो आके मुझे गले लगाते थे, ये 3 डेज में नहीं किया उन्होंने, तो ये चलता रहा। मैं नोटिस करता है हर शॉट के बाद राजू आके मुझे गले लगाता है, वेरी गुड एनी हग्स मी। तो आई टोल्ड हिम आई सेड राजू हैव यू नोटिस्ड कि तुम हर टेक हर शॉट के बाद तुम मुझे आके झप्पी दे रहे हो, तो या तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है या बहुत बुरा है और तुम मुझे इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों में से एक। यस हमें 5 साल बाद मिल रहे हैं, पिछली बार 3 इडियट के वक्त आए थे जी, गांधीनगर में हम मिले थे। हाँ गांधीनगर में, करेक्ट। मैंने आपको पूछा था कि आप प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त 3 इडियट का न्योता देंगे या नहीं। जी जी आपने उस वक्त कहा था कि ना मैं जानता हूँ चूंकि मिला नहीं। जी 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 अब मिले भी हैं, जानने भी लगे हैं जी। हम लोग तो आपकी सोच हमें बड़ी खुशी होगी, हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर प्रधानमंत्री जी हमारी फिल्म देखें। व्हाई डोंट यू गिव अ फॉर्मल इनविटेशन, हम विनोद बिल्कुल करेंगे उनको हम भेजेंगे इनविटेशन, और अगर उनके पास वक्त होगा और वो देखेंगे तो बहुत खुशी की बात, जरूर करेंगे। दूसरा प्रश्न है आमिर जी। जी I have 3 questions for you. Earlier you have said that PK एक तरफ और आपकी अभी तक की सारी movies एक तरफ, किस तरह? In terms of the challenging aspect of the character, जिस तरह से मुझे ये जो PK का जो किरदार है वो मेरे लिए सबसे challenging रहा है. That's how difficult. In that sense I said it. दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जब फर्स्ट पोस्टर आया हुआ था पीके का, फर्स्ट पोस्टर जब भी आया हुआ था तब हमारे दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक जो हुआ था वो टर्मिनेटर आया था, सो इज दैट एनी टर्मिनेटर टाइप्स एंट्री? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी मेरी बॉडी लग रही थी, क्या बात है। नहीं टर्मिनेटर टाइप फिल्म नहीं, इट्स नॉट लाइक टर्मिनेटर। ओके and third question is we have seen that overacting wala that making overacting wala jo making hai we have seen that so aapko kabhi bhi aise laga hai ki aapne apni kisi bhi movie mein overacting ki hai? Actually mujhe to apni har film mein lagta hai ki maine kahin na kahin main better kar sakta tha, mujhe koi scene jab bhi wo scene aata hai film ke andar to main aankh band kar leta hu, mujhe lagta hai yaar ye scene maine acha nahi kiya, तो ये शायद मेरे हर फिल्म में होता है। पीके में अभी तक मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि मुझे आंख बंद करना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर दैट आई कुड हैव इवन यू नो देयर आर मोमेंट्स आई कुड हैव डन बेटर। अनुष्का पीके में एक सीन है मैं आपको बताना चाहूँगा जो आमिर बड़ी ह्यूमिलिटी में चल रहे हैं, एक सीन है जो इन्होंने किया है और वो सीन हमको मालूम था, पता था, लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, लेकिन आज भी जब मैं वो सीन देखता हूँ, आप जब फिल्म देखेंगे तो सीन में एक ही डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं जी। तो वो जो जी इन्होंने बोला है, मैं समझता हूँ कि इनकी जितनी इन्होंने फिल्में की हैं या बाकी कलाकारों ने जितनी फिल्में की हैं, वो जो 2 मिनट का सीन है, मैं समझता हूँ कि ऐसा सीन मैंने एक्चुअली आज तक देखा नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं पब्लिक में आपकी तारीफ कर रहा हूँ, जो बहुत रेयर है बाय द वे। अभिजात भाई उन्होंने कुछ दिन पहले फिल्म भी देखी मगर वो अभी कोई उनकी दूसरी फिल्म की शूट में व्यस्त हैं तो वो आ नहीं पाए, पर आगे जब वक्त आगे शायद हम जब पहुंचेंगे तो शायद जुड़ेंगे हमारे साथ। अभिजात भाई आपने गुजराती में काफ़ी काम किया है,
ये बड़ी टीम और बड़े स्टार कास्ट के साथ गुजराती में कुछ करना चाहते हैं? सर, ये जो जो भी भाषा में काम करूं उसका जो आत्मा है वो तो गुजरात का ही है, राइट? क्योंकि मेरी बुनियाद यहाँ से, मैं यहाँ पे पला, मेरा जो एजुकेशन हुआ वो भी अंग्रेजी में नहीं हुआ, मैं गुजराती में पढ़ा। सो वो जो यहाँ के एक्सपीरियंसेस है वो जब हम लिखते हैं तो वही एक्सपीरियंसेस आके जुड़ते हैं। अब कभी आई वुड लव टू डू समथिंग इन गुजराती अगेन। अभी तो खैर मेरा प्लेराइट का जो लाइसेंस था वही मैंने गंवा दिया है, बहुत दिनों से स्टेज पे कुछ किया ही नहीं है मैंने, राइट? तो आई वुड लव टू डू दैट। माई ब्रदर कंटिन्यूज टू डू थिएटर वेरी डिलिजेंटली, वेरी सिंसियरली, सौम्य जोशी। आई हैव टू कन्फेस दैट आई हैव नॉट डन थिएटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट एज यू कैन सी एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग इन द थिएटर आई एम ट्राइंग टू डू हियर, एंड आई हैव बीन ए have had the great fortune to team up with people like Raju, Vinod, who encourages me, Amir, who has come and performed, I think he has given the performance of his life. So ye jo films ki concerns hai, jo society ke sath jude hue mudde hain, wo to jo theater mein karta tha usme aur isme koi fark hai hi nahi. So I have never felt as if I have left my home and gone somewhere else. I still feel very much at home. Abhijit bhai, I think what they are trying to say here, Abhijit bhai, here. Hi, hello everybody. My name is Devki. I have known Abhijit sir from childhood, so he has worked in my father's place. I think what he's trying to say and what I would also want to say is that you have written fabulous plays in Gujarati also. And when you know such good people who are ready to do cinema of a good kind, and I'm sure they are beyond language, this is a need of the hour for Gujarati cinema. It needs people like you to bring the novelty, to bring the freshness in the movies of Gujarati cinema and Gujarati theatre. And you have had fabulous scripts also. So I think it's high time that you convince all of them to kind of participate and help our cinema flourish again. I think that's what I'm trying to say. You know, actually my career, I started learning about acting and, you know, the creative arts through Gujarati theatre. Really? Yeah. आवंतर नाम का एक थिएटर ग्रुप था जिसके साथ मैंने काम शुरू किया जी। और ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में था जी, 11th एंड 12th। तो आवंतर जो है ज्यादातर गुजराती प्लेस करते थे, एक आध हिंदी में भी करते थे, लेकिन ज्यादातर उसके डायरेक्टर थे महेंद्र जोशी। ओके। और एक बहुत ही फेमस प्ले था हमारा खिलैया, जो बहुत ही कामयाब हुआ था, म्यूजिकल था वो। और जब मैं पहले जुड़ा आवंतर के साथ तो मैं बैक स्टेज करता था, लोगों के लिए चाय लाना, इस्त्री करना, कपड़ों के लिए ड्रेस रेडी करना, प्रॉपर्टीज लाना, झाड़ू वाड़ू मारना, साफ करना। तो मैं बैकस्टेज मैंने 1.5 साल किया खिलैया के लिए और भी जो प्लेज वो करते थे उसके लिए। और मुझे पहला मौका मिला एक्टिंग का वो गुजराती में था। और उसकी वजह ये थी कि आप लोग देवेन भोजानी को जानते हैं, तो देवेन जी भी हमारे ग्रुप में थे और हम लोग एक प्ले कर रहे थे केसर बीना, जिसमें देवेन जी थे, आतिश कपाड़िया, विपुल शाह जो अभी डायरेक्टर हैं, विपुल शाह थे, मकरंद देशपांडे थे। तो महेंद्र जोशी डायरेक्टर थे और देवन चार दिन पहले मैं बैकस्टेज कर रहा था, तो देवन ने आके कहा कि उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, वो शो नहीं कर पाएगा। और वो हमारा पहला शो था, वी वर ओपनिंग अ न्यू प्ले। तो ही सेड कि मेरा प्रॉब्लम है जोशी को, उसने बोला मैं नहीं आ पाऊँ। और मैं 1.5 साल तक बैकस्टेज कर रहा था इस उम्मीद से कि मुझे कभी एक एक्टिंग का चांस मिलेगा, कभी मुझे डायरेक्टर बोलेगा हाँ यार तू ये रोल कर ले। तो देवेन का ये प्रॉब्लम आ गया, तो महेंद्र जोशी ने विपुल को बोला, इसको लाइन से कहा आमिर को। अच्छा, 4 दिन रह गया था फर्स्ट शो, 4 दिन में हम लोग ओपन कर रहे थे प्ले। तो 4 दिन में मुझे गुजराती के लाइन सीखने थे, जो मैं, मेरी भाषा नहीं है, मैंने कभी उस वक्त मैं गुजराती थोड़ा बहुत समझ लेता था क्योंकि हम इतने गुजराती प्लेस करते थे और गुजराती जो है हिंदी के काफ़ी आसपास है। तो आई हैड टू लर्न माई लाइन्स, मेरी लाइन्स मैंने सीखी, मुझे क्यूज लर्न करने थे क्योंकि कब मुझे रिस्पॉन्ड करना है, इतना फास्ट बोलते हैं वो गुजराती में। तो आई हैड टू बी वेरी अलर्ट, हैड टू लर्न द लाइंस ऑफ द अदर एक्टर्स, हैड टू लर्न माय लाइंस, एंड आई हैड 4 डेज। तो जो पहला मैंने एक्टिंग किया अपने लाइफ में थिएटर में वो गुजराती प्ले में था। फिर तो बात पक्की, अब तो वापस देना पड़ेगा आपको गुजराती। तो आई एम हैप्पी, बल्कि मैं कॉलेज में था, मैंने एक मैं बताऊं, एक्चुअली इससे भी पहले जब मैं कॉलेज में था तो एक मुझे हिंदी इंटर कॉलेज हिंदी प्ले में मैंने ऑडिशन करने गया, तो वहाँ मैं फेल हो गया, टोटली आउट। तो मैंने सोचा यार अभी क्या करें, तो नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा गुजराती के लिए भी कास्टिंग चल रही है और गुजराती में उनको कोरस चाहिए था।
अब गुजराती मैं बोलता नहीं तो मुझे पता है कि मेन एक्ट रोल्स तो मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन कोरस में तो मिलेगा। तो मैंने वहाँ गया रिहर्सल्स के लिए कोरस में, और मुझे कोरस में सेलेक्ट किया। 30-40 हम लड़के थे, तो वो भी एक म्यूजिकल था, शॉर्ट वन एक्ट प्ले था। उसमें एक गाना था हमारा, अमे रंगारा चाहिए, अमे रंगारा चाहिए, क्यों तो अमे तमारा काड़ जानी कोरू ने रंगी ने दहिए। आज भी मुझे याद है, उसमें एक डायलॉग था, पूरे कोरस में 30-40 लड़के थे, एक ही लड़के का डायलॉग था, वो मेरा था। मैं इतना खुश था, एक लाइन थी मेरी। क्या लाइन थी? वो बहुत डेंजरस लाइन है, सेंसर्ड लाइन है वो। तो खैर, वो मेरा कैरेक्टर था, वो पेंटर था। तो ब्रिज पे वो देख रहा है सबके, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक वो देखता है नीचे, हम लोग ब्रिज पे हमेशा रहते हैं, तो एक किसी की कुछ शादी का न्योता आता है या किसी की शादी फिक्स हो जाती है, तो इस मुझे जो मेरा कैरेक्टर था वो बोलता है, आपने तो कोई पहन तो नहीं, एनी माँ ने कुतरा पहने। No one marries me. I miss his mother who marries a dog. तो ये मेरा एक लाइन था वो पूरे प्ले में, गुजराती में। मैं सिर्फ आपको एक कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम लोग गुजराती प्ले बनाएंगे तो फिल्म बनाएंगे, I'll be happy to be super. Part of it. तो अभिजात भाई डील थाई गई। उमाशंकर जोशी सौ नानी वार्ता गांधी जी बनी इन गुजराती, काका कालेलकर्स प्रोज अबाउट गांधी जी इन गुजराती, स्वामी आनंद प्रोज इन गुजराती। So the great advantage at that time was that I could take these things and take it to a wider audience. So I have never left Gujarati in that sense. Super. Actually, one of the main ideas of the film came from him reading in Gujarati. The idea of the film was that Mahatma Gandhi says that you can kill me, but you cannot kill my ideas. That actually he read in Gujarati, and so it's, we are connected. Oh, we are very proud of him that way, believe me. Amir bhai, actually but not my Niranjan Bhagat sahab na class ma emno ek French dost hato Andre Schwab karine, and that Andre Schwab was during the Nazi occupation of France, his brother was taken through the streets of Paris and shot for being a communist. And while he was being led away, he had shouted that bullets cannot kill my ideas. And the way Bhagat Sahib had described it was, that goliyo vicharo na nahi mari shake. And that had stayed with me for 20 years. See, I've read somewhere that there's a chance that he's applied for a parole, and so we'll be very happy if he's out, and if he's out, definitely we'll have. We were always wondering that how to show him the film, because film ban gayi hai, aur mujhe lag raha tha ab wo jab aayenge ek saal ke dedh saal ke baad tab unko film dikha payenge, but ye opportunity aati hai, to as soon as he's out, we'll definitely show him the film. You know, I mean, I've seen the film so many times now. जब भी संजू की एंट्री होती है फिल्म में, आई फील दैट ही ब्रिंग्स सो मच वॉर्म्थ टू द फिल्म। हिज पर्सनैलिटी, हिज परफॉर्मेंस रियली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वॉर्म्थ टू द फिल्म। सो आई लव इट व्हेन ही एंटर्स। आमिर भाई, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ जी को आज नोबेल पुरस्कार एनायत किया जा रहा है, क्या आपको कोई उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच की भी दूरियां इतनी ही कम हो जितना उन दोनों को नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते वक्त की दूरियां कम हो? जी, सबसे पहले तो मैं दोनों को बधाई देना चाहूँगा, और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि भारत देश जो है, जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों, भाईचारा बढ़े, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दोनों जगहों पे कई इश्यूज हैं, और हर सोसाइटी में इश्यूज होते हैं, तो हम अगर एक दूसरे की ताकत बने तो ये अच्छी बात है। एक्चुअली एक्सप्रेशन तो मेरे कई हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो दो तीन चीज़ें फिक्स हैं फिल्म के अंदर, एक तो मेरे कान,
बाहर ऐसे आते हैं, मेरे खान वैसे ही बाहर आते हैं, लेकिन इसमें हमने एक और बाहर निकाल दी। जब मैं भागता हूँ तो मेरे हाथ इधर ही रहते हैं, जो हम लोग नॉर्मली भागते हैं तो हमारे हाथ ऐसे हिलते हैं, बेंट रहते हैं एल्बो, लेकिन ये मेरे हाथ ऐसे सीधे रहते हैं जब मैं दौड़ता हूँ। और तीसरी चीज़ है कि मैं ब्लिंक नहीं करता हूँ, मैं आँख नहीं झपकता हूँ। तो ये चीज़ें थी जो कॉन्स्टेंट थी, जिसमें से ब्लिंकिंग सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं लेंसेज भी पहना हूँ, मेरी आँखें हरी हैं फिल्म के अंदर, ग्रीन आइज, तो लेंस पहन के फिर पलक झपकने का जी चाहता है ज़्यादा। बट वंस वी हैड डिसाइडेड कि हम लोग आँख, ये बंदा जो है वो ब्लिंक नहीं करता, बहुत कम ब्लिंक करता है जब कभी इमोशनल होता है, बट बाय एंड लार्ज वो 99% फिल्में उसकी आँखें ऐसे खुली रहती हैं, ब्लिंक नहीं करता। और ये आइडिया विनोद जी का था, एक दिन वो हमारी रिहर्सल पे आए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ दोबारा करो विदाउट ब्लिंकिंग, एंड व्हेन आई ट्राइड इट इट रियली क्लिक्ड, सो दैट्स वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। मैनेज मैंने ऐसे किया कि जिसमें जब भी सीन के अंदर मैं या तो किसी इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ या किसी चीज़ पे मेरा ध्यान है, तो मैंने मेंटली अपने आप को बोला कि आप उस चीज़ पे अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन करो, ताकि आपका जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट करने में इतना खो जाता है कि आप फिर ब्लिंक नहीं करते हो। यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट थिंग, फुल अटेंशन इज ऑन दैट थिंग, देन दैट वे यू कैन अवॉइड ब्लिंकिंग। दैट हाउ आई मैनेज्ड इट। Hello. Hi, sir. Hi. Sir, my question is that a lot of suspense was built up in PK. Like beginning from the first poster till second poster till the time we saw the teaser. What was the idea behind it? It is unlike your previous movies. You know, every film, हर फिल्म की अपनी requirement होती है, और ये फिल्म की कहानी इतनी खास है, it's a very high concept film actually. तो अगर हम कहानी आपको बता दें तो आपका फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। जैसे कि जब मैंने कहानी सुनी, स्क्रिप्ट सुनी, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये किस चीज़ की कहानी है, किस किसके बारे में है, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो जिस तरह मैंने सुना और मुझे इतना मज़ा आया, इट वॉज़ अ जर्नी फॉर मी ऑफ जॉय, ऑफ यू नो, मैं कभी हंसता था कभी रोता था। तो ये जो एक्सपीरियंस है, हम नहीं चाहते कि हम आपका एक्सपीरियंस बिगाड़ें या ऑडियंस का एक्सपीरियंस बिगाड़ें। सीक्रेट रखने में हमारा कोई और इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट यही है कि हम जो एक्सपीरियंस है फिल्म का वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। हाँ, मैसेज बहुत अहम है, बहुत ही गहरा मैसेज है, लेकिन जो मैसेज देने का स्टाइल है वो ह्यूमर के साथ है, जो राजू जी का स्टाइल है कि वो हर चीज़, हम हर फिल्म में राजू जी बहुत ही अहम चीज़, फंडामेंटल चीज़ कहते हैं, लेकिन वो अंदाज जो है उनका बोलने का, उसमें वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी आपको ऐसे ही मिलेगा। छोटा आमिर, छोटा पीक है, दिखाइए। ओह, ही इज वेरी क्यूट, यार ही इज वेरी क्यूट। क्या नाम है इस बच्चे का? यू डोंट नो हिज नेम? वेरी गुड यार, ही आई थिंक ही डिजर्व्स टू विन यार। देख राजू, करेक्ट है, ये छोटा पीके, यंग यंग आमिर का रोल होता तो ये करेक्ट है। अगर हमारा फिल्म में कुछ बचपन का रोल होता तो अच्छा करता था, यू वुड हैव बीन आइडियल। सो वेल, इट इज रियली नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि जिस एक्साइटमेंट और प्यार से हमने फिल्म बनाई है, वो डायलॉग एक प्लीज बोल सकते हैं क्या? टुकुर टुकुर देख रहे हैं ऐसे, टुकुर टुकुर का देखा तो? अरे हम पीके हूँ, पीके है, पहचाने नहीं का हमका है?